Hi guys, welcome back to Class of Planning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. And this is all about कि कैसे करनी है preparation MEG 1 के लिए for this February 2021 examination. सर दिमाग में कई सारे clue चल रहे हैं कि इस paper को crack करना है. यहाँ पे स्पेशली क्लियर करता हूँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ जो सीरियसली इस पेपर को क्लियर करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक. सो वी डोंट हैव दैट मच टाइम, हम इतना नहीं पढ़ सकते. प्लंटी ऑफ पोएट्री, प्लंटी ऑफ पोएट्स, किसको पढ़ें किसको छोड़ दें, दिमाग में क्वेश्चन बढ़ता रहते हैं. और बच्चे यहाँ पे कोई बोलते हैं कि सर आप ना प्लीज एक ऐसी वीडियो बनाओ जिसमें आप बताओ कि किसको छोड़ सकते हैं. तो पहले क्लियर करता हूं, दिस इज ऑल अबाउट MEG 1 ब्रिटिश पोएट्री जिसमें हम सारे ब्लॉक्स नहीं पढ़ रहे. Yes, I'm not going to read each and every block, but still I'll be able to score 50 to 60 marks least. कैसे कर सकता मैं बिना सारे ब्लॉक्स को पढ़े 50-60 नंबर 100% शो करने, तो कैसे करने यहां डिस्कस करने हैं आज हम. फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ क्लासिक ऑफ लर्निंग मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि आपको कौन से ब्लॉक आप छोड़ सकते हो ब्रिटिश पोएट्री के अंदर. यस, आई एम नॉट एट ऑल रियली वरिड अबाउट कि यार सब कुछ होना चाहिए, बच्चों को सब कुछ करना चाहिए. नहीं, आप सब कुछ मत करो यार. जिनके पास ऑलरेडी टाइम नहीं है, जिनको समझ नहीं आ रहा कि मैं ब्लॉक को कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे मैं नंबर लेके आऊं, वो बेचारा पहले परेशान है. तो मैं तो यही कहूंगा सब कुछ कर यार, लेकिन हाँ मैं बोलूंगा कि आप लिमिटेड करो. आप लिमिटेड में वो सब कर लेना जो मैं बता रहा हूं, और अगर आप ये कर लेते तो 100% ये पेपर क्लियर. और 60 मार्क्स नॉट अ बैड मार्क्स, सीरियसली फर्स्ट डिविजन आती है हमारी. तो मैंने कहा इतने नंबर के लिए मैं प्रिपरेशन आपकी कंफर्म कर रहा हूं. आपने कहा सर पेपर किस फॉर्म में आएगा, मेक बी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं सर, क्या होता है ऐसे टाइप क्वेश्चन नहीं आता, कंप्लीट आरटीसी आ गई तो भी आप बहुत इजीली क्लियर करोगे. यहां पे हम तीन ब्लॉक छोड़ने वाले, सीरियसली इस वीडियो में कोई तीन ब्लॉक छोड़ने वाला हूं. अभी तीन कौन से छोड़ोगे आप, बच्चे बोलेंगे सर आप बोलोगे चॉइस आपकी है जो मैं छोड़ दूं. नहीं यहां मैं बता रहा हूं आपको कि कौन से ब्लॉक आपको छोड़ने, और जो ब्लॉक आपको करने हैं उनका रीजन मैं बता रहा हूं. नंबर वन, they all have it easy to grab poetry. Number two, there are less number of poetry in that particular blocks. Number three, they are all going to be clear here in a first reading. कैसे? उसके concept को clear करते हैं. अब बच्चों के दिमाग में सर हमें इसकी ट्यूशन चाहिए थी, we need to have the tuition of British poetry so that we can crack the paper. अगर आपको क्लासेस दी है ऑनलाइन बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आप नहीं कर सकते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वीडियोस को फॉलो कर लो ब्लाइंडली. जो मैं बोलता हूँ सारी वीडियोस मैंने डाली वहां आपको मिलेगी. हाँ अगर आप ज्वाइन करते थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलता है, लेकिन जरूरत नहीं है, आपको पास ही करना तो आप बहुत इजीली क्रैक करेंगे. कुछ और नहीं करना, सिर्फ एक काम करना है, वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे लगे कि इसका फायदा हुआ तो इसको शेयर करना सोशल मीडिया पर, थोड़ी मेरी हेल्प करना वीडियो को प्रमोट करने में. ये मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ जो जिसको लगता है कि सर फायदा होता है. अब मैं पॉइंट बताता नहीं तो ऐसे स्टूडेंट को लगता है कि सर पहले आप बहुत टाइम खराब करते हो, तो टाइम खराब नहीं करना. कम टू द बेसिक पॉइंट हियर, द ब्रिटिश पोएट्री. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स इन द माइंड ऑफ ऑल प्रीवियस स्टूडेंट्स कि सर इस वीडियो में पहले से डिफरेंट क्या होने वाला है, बताओ यार क्या डिफरेंट होगा. पहले से डेफिनेटली काफी कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि यहां मैं आपको सारे ब्लॉक नहीं कह रहा. नंबर टू, here we'll go one by one. तो पहले क्लियर करते हैं. अगर आप लोगों ने मेरी इंस्टा आईडी अभी तक फॉलो नहीं किया, गाइस डू फॉलो इंस्टा आईडी @classyrahul. आई रिपीट, इट्स @classyrahul. आप वहां फॉलो कर सकते हैं, वहां साइज में मैं अपलोड करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो. एंड देन दोस हु आर इन नीड ऑफ नोट्स, जिनको लग रहा है कि हम पेपर क्रैक कर रहे हैं एंड विद गुड मार्क्स, तो ये रहा मेरा नंबर. इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे एंड फॉलो द प्रोसीजर, मेक द पेमेंट एंड गेट योर नोट्स. शुरू करते हैं पॉइंट के ऊपर. सीधा पहली बात, सर मेरे पास 10 ब्लॉक बनते हैं. अगर मैं बात करता हूं ब्रिटिश पोएट्री की, तो 10 के 10 ब्लॉक्स में अगर मैं पूरी वर्कआउट करूं सबसे इंपॉर्टेंट पोएट्रीज को देता हूं, इट्स ऑलमोस्ट 89 पोएट्रीज. यस, इट्स ऑलमोस्ट 89 पोएट्रीज अलॉन्ग विद 42 नंबर ऑफ पोएट्स. ना तो मैं 42 नंबर ऑफ पोएट्स दे सकता हूं और ना ही मैं वो 89 पोएट्रीज करने वाला हूं. सर मुझे आप ऐसा बताओ कि मैक्स टू मैक्स 30-32 पोएट्रीज करूं, और मैक्सिमम पोएट्स जो मुझे करने हैं वो हो इन बिटवीन 15-18.
जो हमें डिस्कस करना हो। वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके दिमाग में रहेगी, सर वो लास्ट के टू ब्लॉक्स पहले क्लियर करना। शुरू यहां मैं चौसठ से नहीं करवा रहा, मैंने आपको शुरू करवाया लास्ट के टू ब्लॉक्स, ब्लॉक नंबर 9, ब्लॉक नंबर 10। ब्लॉक नंबर 9 सर मॉडर्निस्ट, मॉडर्निस्ट पॉइंट। आई रिपीट माय वर्ड्स, ब्लॉक नंबर 9 मॉडर्निस्ट पॉइंट। मॉडर्निस्ट पॉइंट, अब ये मॉडर्निस्ट पॉइंट कौन कौन से सर? दो है हमारे पास, TSEH एंड HEETS। इन दोनों की पोएट्रीज सर कितनी पोएट्रीज है? मैक्सिमम 3 से 4 है, 4 लगा लेते हैं, चलो मैक्सिमम नंबर होती है, 4 नंबर पोएट्रीज है जो हमारे पास आ रही है। ये आपको करनी है, सबसे पहला काम आप यही करेंगे सर, ये चारों पोएट्रीज आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, और कहीं कुछ सर्च करने की जरूरत है, जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट, वहां ये चारों पोएट्रीज मिलेंगी। तो आपने कहा सर मॉडर्निस्ट पॉइंट, TSEH आ गया, HEETS आ गया, अब इनको पढ़ना है, तो मैं आप मंत्र कहता हूं वेस्टलैंड को घोर के भी जाना कि इस बार आपको कंफर्म पेपर में क्वेश्चन मिलना है। तो अगर बात की जाए एक पोएट्री जो कंफर्म पेपर में आएगी फॉर दिस रैप लीग 2021, वो होगी वेस्टलैंड, जिसको आप ऐसे टाइप क्वेश्चन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिसके आप आरपीसी 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस बार मैं नो सेकेंड ट्राय की बात नहीं कर रहा, मैं यार सर कुछ चीजें हैं दिमाग में जो रंजी, बाकी डिटेल मैं डेफिनेट दूंगा, आगे सारी वीडियोस बनाऊंगा, किस ब्लॉक वाइज वीडियोस बनाऊंगा, ताकि ब्लॉक वाइज पूरी ग्रिप करो। द फर्स्ट थिंग आपने कहा सर ब्लॉक 9 ऑन द पहुंचे मॉडर्निस्ट पॉइंट, TSEH एंड HEETS, कितना पॉइंट? 2। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज सम मॉडर्निस्ट पॉइंट, ब्लॉक नंबर 10। जिसको आप बोलते हो पोस्ट मॉडर्निस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। अच्छा, पोस्ट मॉडर्निस्ट की बात करते हैं हम, फिलिप लार्किन एंड सिल्वरब्लैट, लुक एट हियर, 3 नंबर ऑफ पॉइंट्स आए, 3 पॉइंट यहां पे आए सर, नंबर ऑफ पोएट्रीज 6 पोएट्रीज है मैक्सिमम जो आपको करनी है इस ब्लॉक से। तो पोएट्रीज कितनी होगी सर? 4 वहां थी, 6 यहां पे, 4 6 10 10 पोएट्रीज तो कंफर्म होगी कि हमें क्लियर करनी करनी है। मैंने कहा था आपको मैक्सिमम पोएट्रीज 32 करेंगे, मैक्सिमम कम कर दूंगा डेफिनेटली, ज्यादा नहीं होगा। 2 ब्लॉक्स 10 पोएट्रीज सर, बाकी रहे 5 ब्लॉक, मैंने आपको सिर्फ 7 ब्लॉक है, मैंने ज्यादा पढ़ने के लिए कहा ही नहीं सीधे से, मेरा मूड भी नहीं बोलने का कि आप ज्यादा पढ़ो, सिर्फ उतना पढ़ो जितना आपको क्लियर हो पाए, जिसके कॉन्सेप्ट को आप ऑन टिप कर पाओ। तो फर्स्ट 2 ब्लॉक्स मैंने बोले ब्लॉक नंबर 9 ब्लॉक नंबर 10, इनमें क्या पढ़ना है वो मेंशन कर चुका हूं। अब डिटेल में एनालिसिस द पोएट्रीज, इनको कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें मैं आपके लेके आऊंगा जल्दी, उसके लिए कहना गया है आपको वो पता है। Come to the next point. Sir, next point पे आते हैं, मेरे पास मतलब जॉन मिल्टन का ब्लॉक दिमाग में आ रहा है, मतलब सर बार बार क्लिक कर रहे हैं ब्लॉक नंबर, सर लिखनी जरूरत नहीं है, हम सबको याद है जॉन मिल्टन। अगर मैं बोलूं सर मेटाफिजिकली बात, जॉन मिल्टन नहीं आता है, दैट इज नंबर 4। अब मैंने कहा सर जॉन मिल्टन को क्लिक करना, ब्लॉक नंबर 4 की बात करूं, चलो ब्लॉक छोड़ देते, सीधा जॉन मिल्टन की बात करते हैं, yes, जॉन मिल्टन। तो यहां आ गए हम नेक्स्ट पे, जॉन मिल्टन। सर जॉन मिल्टन की कितनी पोएट्रीज है? 3 पोएट्रीज हमें करनी है, सीरियसली 3 पोएट्रीज हमें क्लियर करनी है। तो यहां पे जब जॉन मिल्टन को पढ़ा था ना मैं, जॉन मिल्टन के कैरेक्टरिस्टिक्स, जॉन मिल्टन का वे ऑफ राइटिंग, द फीचर, ही इज कनेक्टेड टू गॉड, सीरियसली उसकी हर पोएट्री में गॉड होता है, चाहे पेंसिलो की बात करूं या सर, ये तो मैं डिटेल में बता सकता हूं, जो मैंने आपको बोला कि मैं आपको डिटेल में बताऊं, मैं इस वीडियो खींच नहीं जाता, यहां पहले क्लियर करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि कौन सा ब्लॉक करना है। Which block we need to work out very first? The workout word को हटाता हूँ, मेरे स्टूडेंट बोलते हैं सर इसको मत यूज करें, तो आई एम नॉट गोइंग टू यूज दिस। अब थोड़ा धीरे बोलते हैं बच्चों, बोलते हैं सर भागना नहीं है, थोड़ा आराम से बोलना, गेयर पहला और दूसरा रहेगा। तो यहाँ हमारे पास 3 ब्लॉक है, the very first 3 blocks we have discussed here, the block number 9, block number 10, and then we'll come to the John Milton block. Come up to the next block, that is neoclassical. So it's all about Dryden.
Yes, Daryl and Pop, इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो यहां पे आ गए हम फोर्थ ब्लॉक के ऊपर। Yes, we'll come to block number four, that is नियो क्लासिकल। सर नियो क्लासिकल की बात की जाए तो हम बात करते हैं राइडन और पॉप की। कितनी पोएट्रीज? तीन, मैक्सिमम तीन। लुक एट हियर, मिल्टन तीन से चार, हमने कहा मैक्सिमम चार कर दिया हमें। यहां पे तीन पोएट्रीज है, मैक्सिमम तीन से चार किया। अगेन विल कम टू फोर, तो यहां हो गया हमारा टोटल दैट इज फोर फोर एंड यहां पे छह बोले थे ना मैक्सिमम। सो ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स हो चुकी है आपकी एंड थ्री ब्लॉक्स आर स्टिल रिमेनिंग। 20 पॉइंट्स मैंने मैक्सिमम बोली है आपको, अगर मैं इनको फैक्ट बोलूं तो दीज आर नॉट मोर देन 16 जो हमें क्लियर करें। इनको डिटेल में मैंने आपको कहा ब्लॉक वाइज में एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। नीड नॉट टू वरी, हर बार कॉन्सेप्ट बदलता है, हर बार पेपर का पैटर्न बदलता है, चेंजेस आते हैं, नोट्स में भी चेंजेस होते हैं, नोट्स में ही बदलाव किया था। आपने ना नोट्स को कैसे पढ़ना है, पढ़ने का क्या तरीका होगा, द वे यू नीड टू स्टडी। एंड दोज हु डोंट हैव अ बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश एंड डूइंग एमए इंग्लिश, गाइस नीड टू वरी, जस्ट फॉलो व्हाट आई एम सेइंग, आई गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, कम टू द पॉइंट। सो चार ब्लॉक्स हो चुके हमारे पास, वी बीन कंप्लीट द फोर ब्लॉक्स, द मॉडर्निस्ट, द सम मॉडर्निस्ट, जॉन मिल्टन, नियो क्लासिकल। नाउ आई नीड टू कम टू द नेक्स्ट पार्ट, that is the most dominant block in entire British poetry. Yes, I cannot avoid this block, I cannot forget this block, I cannot leave this block. This is, yes, your expectations right, that is metaphysical, the metaphysical block. Metaphysical poets, three number of poets we need to work out is John Donne, Herbert and Mowler. Number one maximum poet that you guys need to do from here is number six. So six, जिसमें Herbert की एक poetry है, Mowler की एक poetry और चार poetry Donne की। Donne की वैसे तो बहुत सारी poetry हैं लेकिन जो हमें करनी है वो चार ही। तो कितनी हो गया नंबर ऑफ पोएट्रीज, मैं चेक करता हूं। यस आई विल कम अराउंड इट्स 10 8 18 18 एंड 24 यस 24 स्टिल आई हैव 8 पोएट्रीज लेफ्ट इन माय पॉकेट बिकॉज़ मैंने कहा था 32 मैक्सिमम होगी एंड देयर आर टू ब्लॉक्स लेफ्ट जस्ट टू। यस एक्सपेक्टेशन राइट। अब मैं आ रहा हूं नंबर 2 ब्लॉक पे, दैट इज स्पेंसर। सर स्पेंसर की राइटिंग को क्लियर करना है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट पेंसिलियन ब्लॉक, स्पेंसर। ये वो दो पोएट्रीज हैं जो हमें अंतिम होनी चाहिए। अगर मैं इनके साथ ऐड करता हूं एमरोडी को, जो कि सिर्फ और सिर्फ तीन सोनेट्स हैं, तो सर नॉट अ बिग डील टू डू, डेफिनेटली नॉट अ बिग डील टू डू। तो मुझे ये ऑन टिप होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैंने सर जो ब्लॉक छोड़ दिया आप लोगों को याद हो, मैं डेफिनेटली ब्लॉक्स मैंने छोड़े हैं। आपने कहा सर आपने ब्लॉक नंबर 6 छोड़ दिया, आपने ब्लॉक नंबर 7 छोड़ दिया। यस आई एम लिमिटेड, लेकिन मैं यार हर चीज नहीं पढ़ सकता, 10 के 10 ब्लॉक नहीं बताने मैंने आपको। आपके पास ना तो इतना टाइम है ना आप हर चीज को करने वाले हैं, तो मैंने यहां वो ब्लॉक बताया जो आप कंफर्म करके जाएंगे और आप पेपर को क्रैक करके आएंगे। Yes, come to the very first block, Chaucer. So that is Canterbury Tales. Yes, the Canterbury Tales. अब इसी Canterbury Tales में NPT आता है, इसी में General Prologue आता है. These are not different. लोग बोलते हैं कि NPT अलग हो गया, General Prologue अलग हो गया. No, they are a part of Canterbury Tales. हमें बहुत अच्छे से क्लियर करनी है. आप चेक कर सकते हो the number of poetries. Now you are having 18, 6, 24 and 4. 28. मैंने 32 maximum बोली थी यार. तो 28 poetries करनी है. अगर आप daily एक लेके चलते हो, you have ample time. Seriously, you have ample time to complete your course content. Yes, if you do have your notes, sir, मेरे notes हैं आपके पास, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी videos YouTube से लेनी है.
चेक आउट माय नोट्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है एंड गो फॉर इट। कोई भी डाउट होता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, आपके नंबर है मेरा पीछे दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट कीजिए, आई विल कम विद द सॉल्यूशन एज सून एज पॉसिबल। टिल देन कीप वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो और हेल्प मी टू प्रमोट माय चैनल सो दैट इवन आई टू कैन गेट द मैक्सिमम बाय द गॉड ग्रेस। बाय गाइस।